नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे होममेड पिज्जा। पिज्जा बेस हम बिना मार्केट से खरीदे, ये पिज्जा का बेस हम घर में ही बहुत ही आसानी से बनाएंगे। पिज्जा बेस हम बिना यीस्ट यूज किए बनाएंगे और बिना ओवन के हम ये पिज्जा घर में कढ़ाई में बहुत ही आसानी से बनाएंगे। आप एक बार मेरे तरीके से ये पिज्जा घर में बनाकर देखोगे तो आप मार्केट का पिज्जा खाना भूल जाएंगे और घर में ही ये मेरे तरीके से पिज्ज़ा बना के घर में ही ये पिज्ज़ा का आप आनंद उठा सकते हो। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम ये पिज्ज़ा घर में बहुत ही आसानी से कढ़ाई में बनाते हैं। सबसे पहले हम पिज्ज़ा का बेस बनाते हैं। इसके लिए हमने ये एक कटोरी मैदा लिया है। ये करीब 100 ग्राम मैदा है। ये मैदे को हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। ये मैदे में हम 1 चम्मच शक्कर डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। आधा चम्मच हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये मैंने 3 चम्मच दही लिया है। दही इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मार्केट का पिज्ज़ा बेस हल्का सा मीठा और हल्का सा खट्टा रहता है, उसी टेस्ट के जैसा हम ये पिज्ज़ा बेस घर में बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा दही डाल के हम ये मैदे को हम गूथ लेंगे। अभी ये मैदे के ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको हम अच्छे से गूथ लेंगे। ये तेल डालने से हमारा ये पिज्ज़ा बेस मस्त सॉफ्ट बनेगा। इसको हम अच्छे से गूथ लेंगे। ये मैदे को हम पटक के अच्छे से इसको सॉफ्ट बना लेंगे। देख सकते हैं आप, मैदे को गूंथ के हमने इसको सॉफ्ट कर लिया है। देख सकते हैं आप, इस तरह ये हमारा डो बन के रेडी हो चुका है। ये मैदे के अभी हम 3 भाग कर लेंगे। इस तरह एक भाग छोटा रखेंगे और एक भाग बड़ा रखेंगे। देख सकते हैं आप, चकले के ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डाल देंगे ऊपर से, और इसके ऊपर हम ये छोटा वाला भाग रख देंगे। इसको हम हाथों से इस तरह फैला के इसको हम चकले के ऊपर में बेलन से अभी बेल लेंगे। इसको हम उलट पलट करके बेल लेंगे। मैंने इसको रोटी के आकार में बेल ली हूँ। आप इसको कोई भी आकार में बेल सकते हो। इसे हमें ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा जाड़ा भी नहीं बेलना है। देख सकते हैं आप, स्लो फ्लेम में हम तवा गैस पर रखेंगे। उसके ऊपर में थोड़ा सा मैदा भुरका लेंगे। कपड़े से हम इसको फैला लेंगे। इससे हमारी रोटी तवे में चिपकेंगी नहीं। ये तवे के ऊपर अभी हम ये मैदे वाली रोटी डाल देंगे। रोटी की तरह हमें इसको सेकना नहीं है। इसे हमें हल्का सा हमें तवे के ऊपर में सेकना है। इसमें मॉइस्चर बना रहने को होना, इसलिए हम इसको थोड़ा हल्का सा ही सेकेंगे। अभी हम इसको पलट लेंगे। मैंने इसको रोटी की तरह सेका नहीं है। देख सकते हैं आप, इतना ही हमें इसको सेकना है। अभी हम इसको निकाल लेंगे। अभी हम चकले के ऊपर में थोड़ा सा मैदा भुरका लेंगे और उसके ऊपर में हम ये दूसरा भाग रख देंगे और इसको हम हाथों से इस तरह फैला के इसको हम अभी बेल लेंगे। तवे के ऊपर में हमने जो रोटी सेके है उससे हमें ये रोटी को थोड़ा सा बड़ा ही बेलना है। इस तरह हम ये रोटी को बेल लेंगे। तवे पर सेकी हुई रोटी को हम इसके ऊपर में रखेंगे। देख सकते हैं आप, ये सेकी हुई रोटी से हमने इसको थोड़ा सा बड़ा ही बेला है। ऐसी मोटे तले की कढ़ाई लेंगे। इसमें मैंने 1 कटोरी नमक डाला है। ये मेरा इसके पहले यूज किया हुआ नमक है। आपके घर में ऐसी कोई रिंग होगी तो आप इसके ऊपर में रख सकते हो, या ऐसी कोई छोटी कटोरी होगी तो ये भी आप रख सकते हो ऊंचाई बनाने के लिए। ये नमक के ऊपर में मैं ये कटोरी रखने वाली हूँ। ये कटोरी का मैं हमेशा यूज करती हूँ इसके ऊपर। ये कढ़ाई को हम गैस के ऊपर में रख देंगे और उसके ऊपर में हम ये थाली रख देंगे, लेकिन अभी हम इसके ऊपर में पिज्ज़ा नहीं डालेंगे। मैं आपको बताने के लिए इसके ऊपर में थाली रख रही हूँ। थाली निकाल के हम ये नमक को 5 मिनट गर्म होने देंगे।
पिज्ज़ा बनाने के लिए आप ऐसी प्लेट ले सकते हो या ऐसी थाली ले सकते हो। मैं ये थाली ले रही हूँ पिज्ज़ा बनाने के लिए। ये थाली को तेल लगा के मैं इसको तैयार कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह मैंने ये थाली को तेल लगा के तैयार कर लिया है। ये थाली में हम ये बेली हुई रोटी रख देंगे इस तरीके से। ये रोटी को हम थाली में फैला देंगे, इस तरह निकाल लेंगे और थाली में फैला देंगे। देख सकते हैं आप, इस तरह हमने ये रोटी को फैला दिया है। ये रोटी के ऊपर हम छेद गिरा देंगे। ये छेद गिराना ज़रूरी है। अगर हमने ये छेद नहीं गिराए तो हमारा पिज्ज़ा फूल सकता है। ये पिज्ज़ा बेस के ऊपर अभी हम पिज्ज़ा सॉस लगा देंगे। लेकिन हमेशा घर में पिज्ज़ा सॉस रहता है ऐसा नहीं है, और हम ये होममेड पिज्ज़ा घर में बना रहे हैं। होममेड पिज्ज़ा सॉस घर में बनाने के लिए मैंने ये कुछ लहसुन की कलियाँ बारीक काट ली हूँ और थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स ली हूँ। ये कटे हुए लहसुन का बहुत ही मस्त टेस्ट आता है पिज्ज़ा में, एकदम मार्केट जैसा टेस्ट आता है। होममेड पिज्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैं इसमें 2 चम्मच टोमेटो सॉस डालूंगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं आप, इस तरह पूरा इसको मिक्स कर लेंगे और इसका हम पिज्ज़ा सॉस बना लेंगे। ये पिज्ज़ा बेस के ऊपर में हम ये सॉस लगा देंगे और इस तरह हम फैला देंगे। सिर्फ इतने ही भाग में हमें ये सॉस लगाना है। ये मैंने मोजरेला चीज़ लिया है, ये मेरा होममेड चीज़ है। आप भी ऐसा चीज़ घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हो। घर में चीज़ कैसे बनाते हैं ये अगर आपको जानना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल की लिंक दी है। आप मेरे चैनल पे जाके चीज़ बनाने की वीडियो देख सकते हो। ये चीज़ को अभी हम कद्दूकस कर लेंगे। आप मार्केट का कोई भी चीज़ यूज कर सकते हो। इसके ऊपर हम ये चीज़ डाल देंगे। चीज़ आप अपने हिसाब से कितना भी डाल सकते हो, मैं इसमें ज़्यादा ही चीज़ डाल रही हूँ। अभी हम इसके ऊपर में ये सेका हुआ पिज्ज़ा बेस रख देंगे। देख सकते हैं आप, इस तरह हम ये बेस रख देंगे और इसके काट काट में हम पानी लगा देंगे ताकि ये निकलने को नहीं होना। और अभी हम इसके काट चिपका लेंगे। देख सकते हैं आप, इस तरीके से हम ये काट चिपकाते जाएंगे। देख सकते हैं, इस तरह पूरे काट को हम चिपका लेंगे। ये देखिए, इस तरह हमने पूरे काट चिपका लिए हैं। अभी हम ये बेस को छेद गिरा देंगे, नहीं तो हमारा पिज्ज़ा फूलने के चांसेस रहते हैं। इस तरह हम पूरे पिज्ज़ा बेस को छेद गिरा देंगे। देख सकते हैं आप, अभी ये पिज्ज़ा बेस के ऊपर हम टोमेटो सॉस डाल देंगे और ये पिज्ज़ा बेस के ऊपर हम पूरे भाग में फैला देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे। इसके ऊपर हम शिमला मिर्च रख देंगे। अब हम इसके ऊपर में प्याज के टुकड़े रख देंगे एक एक करके। देख सकते हैं आप, इसके ऊपर मैं टमाटर के बीज निकाल के टमाटर के टुकड़े इसके ऊपर रख रही हूँ। आप इसकी जगह पे लाल शिमला मिर्च के टुकड़े इसके ऊपर रख सकते हो। मेरे घर में पनीर के कुछ टुकड़े बचे थे, मैं इसके ऊपर में रख रही हूँ। अगर आपके पास पनीर न हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। एक एक टुकड़ा मैं ये इसके ऊपर में रखूँगी। देख सकते हैं आप, हमारा ये पिज्ज़ा मार्केट जैसा मस्त टेस्टी बनेगा। अभी हम इसके ऊपर में थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देंगे ऊपर से। अभी हम इसके ऊपर में और थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे। आपके पास अगर चीज़ कम हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। मार्केट जैसा चीज़ बनाने के लिए मैं इसके ऊपर और थोड़ा सा चीज़ डाल रही हूँ। अभी ये पिज़्ज़ा को हम कढ़ाई के ऊपर में रख देंगे। ये अभी हमारी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है और नमक भी अच्छे से गर्म हो चुका है।
बड़े सावधानी से हम ये पिज्जा की थाली ये कढ़ाई में रख देंगे। ध्यान से रखना है, नहीं तो हमारा हाथ जल सकता है। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और 10 मिनट हम ये पिज्ज़ा को इसके ऊपर में ढक्कन रख के पका लेंगे। 5 मिनट के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा चीज़ अभी धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है और 5 मिनट हम इसको पका लेंगे। दूसरे 5 मिनट के बाद में हम इसको खोल कर देखते हैं। ये देखिए हमारा पिज्ज़ा बन के तैयार हुआ है, चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और जो सब्जियाँ डाली थी वो भी अच्छे से गल चुकी है। ये हमारा पिज्ज़ा बन के तैयार हुआ है, इसको अभी हम कट कर लेंगे। देख सकते हैं आप, इसके हम टुकड़े कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पिज्ज़ा बन के तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।